हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम बैंगन और टमाटर गैस पे भूज के चोखा बनाने चल रहे हैं। तो बैंगन हम बीच से इस तरीके से कट कर लिए हैं। गैस लो करके इसको अच्छी तरीके से हम भूजेंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए। तो इसको देखिए, हम बराबर नचाते हुए भूज रहे हैं बैंगन को। जब भी हम चोखा बनाते हैं तो गैस पे ही भूज के बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये बैंगन हमारा देखिए इस तरीके से भूज गया है, ऊपर से दिख रहा है। और इधर टमाटर भी हम ले रहे हैं, ये भी अच्छी तरीके से पक गया है। इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो इधर हम धनिया लिए हैं और लहसुन कूट लिए हैं, मिर्चा है, प्याज है, इसको हम बारीक कट कर लेते हैं सभी चीज़ें। ये बैंगन का हम इस तरीके से डंठल निकाल दे रहे हैं और बैंगन अच्छी तरीके से हम छील ले रहे हैं। बैंगन टमाटर ये देखिए, इसका छिलका इस तरीके से निकल गया, अच्छी तरीके से छील लिए हैं। अब इधर टमाटर भी हम छील ले रहे हैं। ये बैंगन टमाटर छिल गया है तो इसको चाकू से हम बारीक कट कर लेंगे ताकि हमको मिक्स करने में आसानी हो। देखिए इस तरीके से हम छोटा छोटा पीस इसका कट कर ले रहे हैं। ये देखिए बैंगन टमाटर हमारा कट हो गया। तो दो हम टमाटर लिए थे, एक बैंगन और दो आलू, ये सभी चीज़ हम बराबर लिए हैं ताकि चोखा हमारा स्वादिष्ट और अच्छा बने। इधर हम देखिए तेल लिए हैं, तेल हम 2 चम्मच लिए हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। तेल गरम करके हम ये ऊपर से इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें बारीक अदरक घिस दे रहे हैं। अब हम जो काटे हुए हैं सभी चीज़ें बारीक उसको मिलाएंगे। ये लहसुन है, ये प्याज, हरा धनिया ढेर सारी और हरा मिर्च। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ये देखिए अब हम इस तरीके से आलू जो है इसमें मिक्स कर ले रहे हैं, अच्छी तरीके से चोखा बन जाए। इसको बराबर हम मिला ले रहे हैं। ये देखिए हमारा चोखा बन के रेडी हो गया है स्वादिष्ट। और हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।